सभी लोग को मेरा प्यार पहुंचे भाइयों बहनों। और यहां से शुरुआत है कि देश में क्या हो रहा है, क्या हुआ है और हम लोग को क्या करना चाहिए। श्रीराम के जनता ब्यूरोक्रेट्स जो प्रदेश जाने वाले हैं, जो प्रदेश जाना चाहते हैं, आप तो जानते हैं वो लोग जाकर के बेयोखी में खेल कोच फक्सी नाक्सी यानी एक पल्टी लेता है। इसका खर्चा पहले 50 ऐसे दे था लेकिन गरीबताई आ गया है देश में। अब खेल कोच फक्सी नाक्सी बेयोखी यहां पर आप जाएंगे एक पल्टी लेने के लिए तो 50 नहीं बल्कि 80 आपको भरना पड़ेगा। Verhoogd van 50 SRD naar 80 SRD per persoon. सब लोग जानते हैं कि जो लोग सफर पर जाना चाहते हैं 10 दिन पहले 10 रोज पहले वैक्सीनेट करवाना चाहिए बेयोखी में। आप तो जानते हैं करीबन 10 साल से 50 SRD में ये स्पोइटी लोग को दिया जाते थे, अब ये 80 रुपया कर दिया गया है। प्यारे प्यारे लोग जनता, तो जाने जब सिपाही किसी को गलत चलाने से उन्हें प्रोसेस फरबाल उनको बनाना चाहिए। कोई दाम पर गाड़ी चलाते चलाते गलत चलाया है, धक्का मार दिया है या उलट गया गाड़ी या और कुछ हुआ, सिपाही का काम है कि प्रोसेस फरमाल बना करके उनको जहां पर भेजना भेज देना चाहिए। करीबन 10 प्रोसेस फरमाल भीतर नहीं गया, इसलिए वो सिपाहियों को चेतावनी दिया गया है। उन लोगों को मौका मिला कि प्रोसेस फरमाल जो लोग अभी तक बना करके भेजे नहीं है प्रोक्रेट जनरल के पास, ये प्रोसेस फरमाल को बनाना चाहिए। अनख्रोप पॉलिसी मान इन खबरे के खस्ताल, क्योंकि ये लोग प्रोसेस फरमाल अभी तक जहां पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचाए हैं। हे काका, आप तो जाने हैं हेड बस्ट्रेडिंग इंटरनेशनल ड्रग्स बेट बेट टीम पापुलिची एक फ्लिक्टर योहान आदल पैगल लुफ्ट हाफन सांदरई पर टॉयलेट रेंट में, भैया टॉयलेट रेंट में कोका इन वहां कोई छोड़ करके वहां से भाग निकला। वो रोज कोई का गिरफ्तारी नहीं हो सका, वो सब बसलाक में लेने के बाद नारकोटिक ब्रिगेड के हवाले कर दी गई है। डेथ ऑफिसर्स को नारकोटिक ब्रिगेड 55 साल का रॉबी को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टहाफन पर काम करता है और रॉबी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, वही पर यह काम करते हैं रॉबी ई। वहां के पुलिस हम लोग को यह संदेश दिया है। प्यारे लोग जनता, एक सपना है सबके लिए, सरकार के लिए, हाफन के लिए, कि श्रीनाम रिफीर और गहरा खोदना चाहिए, तब कहीं बड़ा बड़ा जहाज श्रीनाम रिफीर में यानी अंदर आ सकेगा। इस वक्त श्रीनाम रिफीर के बारे में बातचीत चल रहा है, क्योंकि इस वक्त अनबस्टेडिंग होने को जा रहा है। अनबस्टेडिंग तो यानी है कि द टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो चुका है। 6 मिलियन क्यूबिक मीटर स्लिप
6 मिलियन क्यूबिक मीटर चहटा, वो जो फार खेल है सूरीनाम रिफीर, यानी कि जहां मोंटेगुआ है, वहां से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर चहटा वहां से निकाल करके और समुद्र में फेंकना चाहिए या कहीं और जा करके, ताकि बड़ा बड़ा जहाज हम लोग के हाफन तक पहुंच सके। तो आप देखिए, ये सब के सपना है कि बड़ा जहाज को आना चाहिए, बड़ा जहाज को जाना चाहिए, सामान लेकर के आना, सामान लेकर के जाना। एक बाखरन सूरीनाम रिफीर इन फोर ब्राइडिंग बस्टेक लिफ्ट क्लार। तो जाने नीदरलैंड्स मिनिस्टर फॉर बेचुलान साहब का स्टेप ब्लॉक, ये बेचारा के ऊपर बड़ी तूफान, ये मिनिस्टर न जाने बेचारा काहे के सरनाम के खिलाफ बोल दिया कि सरनाम का देश एक यानी फाइट स्टेट हो चुका, बस सरनाम तो बिगड़ गया, सरनाम से माफी मांग चुके हैं। लेकिन कोई तो कामर भी इन्हें बुला करके बोले ब्लॉक के करे इजाजत से तू सरनाम का बेइज्जती कर ले। ब्लॉक भैया कांपत रहा, लेकिन ब्लॉक बच गए है, वरना कोई तो कामर मौसीफान बंतरों के द्वारा बकरा लोग इन्हें लखेद देता, लेकिन ये बच गया है। ये कहते हैं कि एक हैव दी वॉर्डन, जो हम गलत कहे हैं हैड ए टेफरूमन, समझे ना भैया। ए काका तो के का बताई भैया, बात ऐसे काका कि कितने लोग घर भाड़ा ले लेकर के भाड़ा नहीं भरते हैं। शांताल इलाका वानी का में डेर वार्डर सभी सामान उठा के दाम पर धर दिया, एस कास्ट क्लियर कास्ट जितना सामान सब उठा करके दाम पर धर दिया, क्योंकि जो घर भाड़ा पर लिया था पैसा नहीं भरते थे। And here warning on the Chantalweg is gisteren morgen ontruimd door de deurwaarder. Hij zegt, ghar to liho, ab paisa na bhariyo, to yehi haal hoi. Yehi haal hoi aap log ko, samjhe na kaka. Ek 52 saal ka aadmi, kaka tu hi batiya moi se suniye. Ek 52 saal ka mard, ye मौज मस्ती करने के लिए होक स्ट्राट एक रंडी के लेकर के मौज करने के लिए कमरा भाड़ा पर लिया, कॉमर्शियल सेक्स वर्कस्टर 53 का मन होक स्ट्राट में मौज मनाने के लिए कमरा भाड़ा पर लेकर के गए भीतर मौज ओज करके, अब ये बाहर को निकल रहा है, मतलब कि अब ये घर जाता है। जैसे परासी में पहुंचा मौसी, डाकू ने बंदूक पिस्तौल से इनका सब जेब खाली कर लिया। मौज करने के बाद वहां पैसा तो दे रहा होगा, जो बाकियों के रहा वो बाहर खड़ा होकर के डाकू उन्हें लूट करके चला गया। मान नाम ड्राइफन सेक्स बरूफ्ट अखबार बड़े बड़े अक्षरों में लिखी से हमारे सरनाम की तमाम जनता वानिका का पुलिस थी, वहां पर कोई जाकर के नालिश करी से कि उनका खास सिलेंडर और दो केंद्र फिक्शन चोरी हो गया है। ये रात्रि के समय सोने का समय था, बस वही झटका में चोर आ करके इनका खास सिलेंडर
और दो केंद्र फिक्शन चोरी करके भाग गया है। अब ये बात उन्हें सुख हो रहा है। पता चला है कि दो मोटर गाड़ी में आग लग गया है फाया जन एन अरमोसिया स्ट्राट के एक ट्रेन पर। लोग कहते हैं इस ट्रेन पर यानी यहां इस ट्रेन पर मोंटेर अपना काम करता था और ट्वेक्रेस खलाक्त फोरटेखन ये दोनों में आग लगा। जब पहुंचा वहां ब्रांटवेर तब तो आग एकदम ऊपर भैया ऊपर ये दोनों जर गया है। अब देखो इसका वजह क्या, कैसे ये आग लगा, कारण कैसे हो गया है आग। अब ये ऑन द सुख होगा। पुलिस एक समस्या से बहुत नफरत कर रहा था वो फीसों के बारे में। पुलिस फीसों के मतलब है फेंसी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द ओवरहेड। इसमें से जस्टिस के या पुलिस वगैरह इसमें से फीसों में से अलग हो गया है ये लोग। यानी सुरीनाम से पुलिस बॉन्ड रेफेलिनो एक ये बात कहा कि हम लोग कारोबार ठीक कर चुके हैं, अब हम फीसों से अलग होने जा रहे हैं क्योंकि फीसों द्वारा इन लोगों का बफोर्डरिंग इन लोगों का आगे बढ़ना बड़ी गड़बड़ दिखाता है। ये बात तनी मोह सुनिए मोटकी काकी तू भी चच्ची तू भी, क्योंकि ये सब बात सरनाम में बहुत हो रहा है। वानिका में एक नौजवान लड़की मैया से झगड़ा कर रही है। तू देख तो तमाशा काकी तो देश में का हुए है। एक नौजवान लड़की माई से झगड़ा कर रही है क्योंकि यह लड़की कहीं जाना चाहती है। मैया ने कही नहीं, जरूरी नहीं कहीं जाने के लिए। और दोनों में ही चातानी हो रहा है। थोड़ा देर में एक सवारी एक मोटर गाड़ी उज्जर रंग का गाड़ी आकर के वहां खड़ा हुआ। उसमें से दो आदमी निकल रहा बाहर। सुनिए तमाशा का की तोर देश जांगो 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 हम बताएला। एक उज्जर गाड़ी रुका, मैया बिटिया झगड़ा होते हैं ही चटानी खेला खेलैया होते हैं। दो आदमी गाड़ी में से उतर करके और जा करके मैया को अलग कर दिया, मैया को खेल दिया बगल में और नौजवान लड़की के हाथ पकड़ करके दोनों लौंडर गाड़ी में बैठा करके गाड़ी ले करके भाग गई इस बच्ची को। एट इज नीच द कैंप ऑफ द यंग दाम ऑफ द मान एंड कैंप ऑफ नीच। दोनों आदमी के पास बंदूक था। द कैंप टेकन फ्रॉम द ऑटो इज बकेंड बाय द पुलिस। ये दोनों आदमी रेक्टिंग इंदिरा गांधी व्यक्ति की तरफ गए हैं। सिपाही के जो खबर मिला है, सिपाही ये गाड़ी उज्जर रंग की गाड़ी के तलाश अब कर रहा है। नौजवान लड़की के लेकर करके ये दोनों आदमी चला गया है। ये हाल है सरनाम के भैया। यहां पर आप देखो कौन तरीका तरीका के इंसान पैदा हो गया है, कौन तरीका तरीका के लोग पैदा हो गया है कि जब चाहे लड़की को उठा ले चलो, लड़की को जबरदस्ती उठा ले चलो। प्यारे प्यारे लोग अब देखो क्या हुए है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिपाही यह मामला जल्दी हल करके और जनता को बताए कि समस्या क्या है। ये नाटक है क्योंकि आजकल के लड़कियां ज्यादा से ज्यादा नाटक के रूप में ये सब खेल तमाशा करती है।
de voorbereidingen voor de opleiding tot huwelijksambtenaar zijn afgerond. Je opleiding oktober met surwaat moet ik daar gaan. Abdekje, huwelijksambtenaar Jinko, biwa shadi karwana chahiye. Huwelijk, huwelijk. Pyare log janta, er zijn in totaal 114 geregistreerden, onder wie 80 in Paramaribo en omgeving en 34 in Nikeri. Binnenlandse zaken kan minister huwelijksambtenaar ka opleiding ka shuruaat karne ko ja raha hai. Hum log ko is baat se khushi hai. Lekin pyare log, jab 80 huwelijksambtenaar Paramaribo me en 34 in Nikeri, to aap mujhe bataiye kaka, कि एक महीना में सूरीनाम में कितना विवाह होता इस वक्त, क्योंकि ये विवाह जो है, शादी जो है निकाह का, अभी अच्छे घराना के बीच में होता है, लेकिन जब सुनो साम वोनिंग या सफर पर के चटपट जात है मौसी नया मौसा के साथ, छटपट जाती है काकी नया काका के साथ, छटपट जाती है चच्ची नया चच्चा के साथ, ये विवाह के बाद तो कोई करता ही नहीं। ये 80 हिलोक्षांतनार ये केकर बिया करी बप्पा, निकेरी में कम से कम 40-50 हिलोक्षांतनार होगा, और 34 और आवत है, कितना बिया होते है हर महीना में, बड़ी गड़बड़ बात है काका। आजकल यही के बात सुनो तो हम तो सामो वो उन्हें करते है, उन्हें विवाह शादी से कोई लगा न है, और यहां मिनिस्टर हिलोक्षांतनार तैयार कर रहा है। ठीक है भैया, तो शुरू करे एकदम से ऊपर से बुढ़ुआ बुढ़ियन के पकड़ पकड़ करके, अब शुरू करो ब्याह करे के, ऊपर से नीचे उतरो, ऊपर से ब्याह करत 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 नीचे उतरो, क्योंकि विवाह शादी तो होता ही नहीं। यहां विवाह शादी कहां होता है, वो तो देखते कैसे प्रियंका छछन करती है, अपने 36 साल का है और 26 साल के लौंडा को लेकर के घूमत रहती है, छछन करती है। आजकल के विवाह करती बप्पा, और मिनिस्टर यहां पर हिलोक्षांतनार को कोशिश देने को जा रहा है। हो भी सकता है कि सब सुधर जाएगा और सब सोचेगा कि ब्याह कर लेना सबसे अच्छा चीज है, इस दुनिया के बबाल मोड़ से खत्म हो जाता है विवाह करने के बाद ना। अप्लाइडिंग तो हिलोक्स अंतना बिन कोर्ट फॉर स्टार्ट परमारी वो में तख तख एंड फिर दर के निकेरी है। देखो प्यारे लोग, ये अच्छा है कि विवाह कर लो, और अगर आप सोच रहे हैं कि राजा जैसे राजा महाराजा के एक राजा के पांच में हरारू, उनकी चेला को तीन में हरारू, और चेला के असिस्टेंट के दो में हरारू, ऐसे सन्नाम में थोड़ो बप्पा। हम तो जानी यहां के राजा तो राजा के फर्स्ट लेडी है, और एक वन राजा वो लोग के कम से कम एक लेडी है, यहां सेकंड लेडी तुमने न सुन ली है, थर्ड लेडी। संजय ने काका,
राजा लोग के रहा पांच पांच गो है? रीता गीता सीता फिरोजा और फरीदा, पांच गो है राजा के मेहरारू। बड़ी स्पंग रहा राजा के बप्पा, बाकी का करियो तो का करियो, राजा का सेवा करने के लिए प्रजा के पैसा से उनका सेवा होता है। और जहां प्रजा के पैसा है न काका, राजा लोग मौज करत है, उन्हें पांच मेहरारू या बीस मेहरारू उनके लिए बड़ा तम अभी है। ए प्यारे लोग, आज दाखबलात ने एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल में ये बात है काका, तू जाने खेसला का ऑफिसर है प्रेसिडेंट का, भैया स्टीव प्रेसिडेंट का खेसला का लीडर है, इस आदमी के ऊपर आप आपका पार्लियामेंटारियर एक्स जस्टिस मिनिस्टर एडवर्ड बेलफोर इल्जाम लगाया है। और कौन इल्जाम लगाया है? पहले बोले गादो एस्ट्राफु दे मांग, गादो एस्ट्राफु दे मांग से बेलफोर, बोले ये जो एक बच्ची के बारे में बात हो रहा है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, ये लड़की श्रीमती जॉयस ब्लॉकलैंड जो डायरेक्टर है ट्रांसपोर्ट फंड है मिनिस्ट्री उपमार वर्क एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो का बिटिया के बारे बात है। 28 अप्रैल 2017 को एक होटल अम्स्टरडम नीदरलैंड में ये तमाशा हुआ है। बात ऐसे कि होटल में ये भैया स्टीव इस औरत का बिटिया को जबरदस्ती होटल में जाकर के बलात्कार किया है। जब स्टीव से पूछा गया, सूरीनाम स्टीव, कहां तक ये बात सच है, स्टीव ऑन कैंट द आंटाइफिंगन फिया द बेडिया, लेकिन ये बात कहा कि जब जब हॉलैंड में गया है यारन यारन कुछ साल पहले, ओ 8 अप्रैल गुजरे साल में, तो उस बच्ची के साथ मुलाकात हुई है। अब काजली मुलाकात है तो कुछ, अब जैसे यहां इल्जाम है कि जबरदस्ती उन्हें होटल में बलात्कार की, जैसे आप आपका पार्लियामेंटारियर कहा ना, तो उन्हें नालिश करना चाहिए भैया। तो जब नालिश न करे तो कौन जरूरी है इसको फैलाने के लिए, कौन जरूरी है अखबार में इसके बारे में जिक्र करने के लिए? तो यही बात है काका, इंसान को बदनाम करना, चटपट अखबार में लिखवा दो, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है? हमारे भैया जनता लोग, आप जनता है इसलिए आप जनता के सामने बहुत से बात रखा जा रहा है, और हम आपको बताना चाहूंगा ये जो बैरम पर लोग घर बनाने लगा है, ये सरनाम के लिए नया चीज है। बैरम पर जब चीज बनने लगा है घर द्वार, तो सूरीनाम के लिए एक नया चीज है। सूरीनाम इतना बड़ा देश है बप्पा, इतना बड़का देश, जंगल पड़ल है भैया, वहां पर घर बनाना चाहिए, वहां पर जाकर कारोबार करो। तर के ऊपर सहरिया में मौसा, तर के ऊपर सहरिया में बनावट है, जहां जनता को चले के चाहिए वहां पर अब टेंटी बनने लगा है, है? बहुत गड़बड़ बात है। वो के बोले बैरम बैरम ओरलॉक, जब जनता के सामने हम ये बात रखने के लिए जा रहा हूं,
तो जनता को इस पर तनी ध्यान रखना चाहिए। ये ना आज से लेकिन कई सालों से हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं। हमारे देश के जो कब्रस्तान वगैरह है पारामारिवो में, आज दाखबलात ने उस फोटो बना करके दिखाया है लोग को। और आइए टैग जंगल है वहां तो शिकार खेल सकते हैं। ओकलीना सुरस्ट, ओकलीना सुरस्ट, योहान पेंगलस्ट्रात, वहां पर आप शिकार खेल सकते हैं। सरकार को 5 बोतल क्रोमोसोम लगेगा, लेकिन सरकार के पास न आदमी है कम करता और न 5 लीटर क्रोमोसोम। अगर सरकार न कर पावे है तो सरकार के लिए हम एक नौता भेजेगा। बहुत से स्टिफ्टिंग है, स्टिफ्टिंग हिंदुस्तान से मिखरासी के बस्तियों से बात करो, क्योंकि स्टिफ्टिंग हिंदुस्तान से मिखरासी एक कॉम्प्लेट कब्रस्तान इंदिरा गांधी व्याख द सेफ पाथफेंडर्स कब्रस्तान को पूरा तौर से रेनोफेयर करने के बाद, सब टूटा कब्र को ठीक करने के बाद, नवा टीख लगाने के बाद, नया बोट लगाने के बाद, नरियर का पेड़ आगे लगाने से और बसखुए के बाद मोन्यूमेंट खड़ा करने के बाद, सेफ पाथफेंडर्स के जितने कब्र था हेयरस्टाइल किया, नया टीख लगाया, नया बोट लगाया और स्कोर को डरवाया। हिंदुस्तान से मिखरासी सरकार को चाहिए देखते हिंदुस्तान से मिखरासी से इंफॉर्मेशन और अटफिच लेवे के, क्योंकि जो स्टेट हिंदुस्तान से मिखरासी आपके लिए कर सकता है आपका जाकिट मान लोग नहीं कर पाएगा। लमदित सहन, क्योंकि आप लोग खाली नाम के हैं। आज देखो कब्रस्तान हिस्टोरी से बखरा प्लाटन, जंगल जंगल जंगल। रोज कैथोलिक के कब्रस्तान के देखो इतना सफा, शिनेई से बखरा फला इतना सफा कि आप चले चलेंगे घास वहां पर न है उस कब्रस्तान पर। फिर भी हमारा देश के तमाम जाकिट मान लोग ये सबक नहीं हासिल किए हैं। खाती कह के ना शिनेई से फरी निकेंग फाचाओ कुन शाम छीत बनवा एक कब्रस्तान, फैंटास्टिक कब्रस्तान सफा करल। एक महिला नहीं, एक खरस नहीं, एक प्रप नहीं। अनप्लेम्पियो फोर सीरीज फॉर एनीथिंग फचाओ कुंगसंग अनप्लेम्पियो। देखो रोम्स कैथोलिक बखरा प्लास खीत बनवा सफा एकदम से रास्ता सफा सब कबर अनप्लेम्पियो फॉर द रोम्स कैथोलिक बखरा प्लास बिस्तूर अंदर खीत बनवा। लेकिन हम कैसे बोल सकीला और आइए टैंक के बारे में ओकलीनास और न्यूलीना। भैया रे दादा, रे दादा देख भैया, एक शर्म लगत है ये बात देख करके कि हमारा सूरीनाम में इतना कम करता, इतना कम करता, 5 तक 6 तक 7 तक डिविजन अंतरार है और जो फैक्ट्रक है वो भी ज्यादा से ज्यादा। आज कब्रस्तान सफा न हुए हैं, ये बहुत दुख के बात है बाप, ये बड़ी सोच करने के बात है। बाकी करियो तो क्या करियो, इस देश में जो बैठ जाते कुर्सी पर, जो ऊंचा पर बैठ जाते हैं वो नीचा नीचे यानी नीचे देखना नहीं चाहते हैं। जो ऊपर में बैठा है ऊपर से वो नीचे को देखना नहीं चाहते कि नीचे में क्या है और क्या ना है। आप तो खुद जानते हैं कि भारत से यहां आया था एक प्रेसिडेंट कुवैत और स्टेक्टे हिंदुस्तान से मिखराची को जानबूझ करके ये लोग ने निमंत्रण नहीं भेजा। ये किस किस से बात करते हैं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं प्यारे प्यारे लोग। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी शुरू है। आज अखबार ने आगे चल करके
हमारे श्रीनाम के जनता तालिया के बारे में, वही तालिया जहां बगल में और ये प्लेन है, तालिया के बगल में और ये प्लेन है, तालिया tijdelijk gesloten wegens renovatie. Talia, 37 april, 181ste verjaardag herdag. Talia, 37 april, zijn 181ste verjaardag herdacht. Talia, Sapset Purana, थिएटर है क्राइमिस खबित में, ये नासिलान चार पर है, यह ज्यादा से ज्यादा नाटक वगैरह होता है। तालिया एक नामी जगह जहां पर हम लोग भी कई मरतबा बैठक गाना का जबरदस्त प्रोग्राम भी किए हैं, जबरदस्त प्रोग्राम तालिया में। तालिया के नाम खश्कीदरस में जिंदा रहेगा, तालिया के नाम जिंदा रहेगा हम लोग के इतिहास में। ए भाइयों बहनों, तो क्या का बताइला, डरमन ओशवेस फॉरबेंडिंग नॉक्स तेईस फॉर वालोस ओशवेस फॉरबेंडिंग स्क्रोनी शर्मक्का और जहां जहां पर कमिसारस है, बस्तीउद्दीन से निकेरी, आप लोग बैरम पर्तनी ध्यान रखो। इस वक्त झूरा के समय आ चुका है, निकेरी बैरमन जो है, आप तो जानते हैं कि एक एक माई मशीन इसको कहते हैं ट्रैक्टर, उसको चला करके उसको काट दो, क्योंकि ये काम आप ही लोग को करना चाहिए। अब हम का आप लोग को बताई भैया जी, आज के अखबार में अनेक अनेक प्रकार के चीज जो लिखा है, है वो सब आपके सामने मैं रख चुका हूं। इसीलिए भाइयों बहनों, जब हम लोग को ये बात पता है कि कितना लोग ड्रग्स के मामला में गिरफ्तार हुए हैं और अब प्लेन में चुआलत रेंटे में फिर से जाकर के कूक मिला है, ये बड़ी गड़बड़ बात है भाई। अब हम लोग न समझ पाईला कि ये सब कूक कैसे आकर के अके वहां छोड़ करके भगा, डर के कारण से या पता नहीं कैसे है। देखिए श्रीनाम और फ्रांकरेक के फ्रेंड्स के बारे में पार्लियामेंट में बातचीत हुआ है, यहां पता चला है द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट से साक एलडीस उनका कोलेगा अंतवन एलियास एक डेलीगेशन फ्रांकरेक अल्बिना में इधर जाकर के उनसे मुलाकात किए हैं अल्बिना में। ये फ्रांस डेलीगेशन अनिक गिरार्डेन मिनिस्टर फॉर ओवरसीज खबिसडेलन उनके साथ साथ रुडोल्फ अलेक्सेंडर द प्रेसिडेंट फॉर द टेरिटोरियल कलेक्टिविटेट फॉर फ्रांस गुयाना और कुछ वहां के फॉल्सवर्टिकवर्डर मिलकर के ये लोग ने बातचीत की है। और लोग कहते हैं कि een vriendschappelijke relatie tussen beide landen ये इस वक्त यानी सबूत है, सक्सेसफुल ओवरलैग tussen Suriname en Frankrijk, बहुत खुशहाली की बात है, बहुत खुशहाली की बात कि एक ग्रंस के बाद ठीक हो रहा है, वैसे गयाना के भी हो जाना चाहिए और ब्राजील के भी हो जाना चाहिए। हाँ काकी, तो अब ये फकांसी है ना, तो छुट्टी मनाने के लिए चाहे जहां जाइयो तो बहुत होशियार से फोर सेक्टर से
गाड़ी धीरे धीरे चला के जइयो, धीरे धीरे लौट आइयो, क्योंकि जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब कुछ तुम्हारा है। समझले का कि जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, मरो तो ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। काकि ये है जिंदगी और यही जिंदगी रहेगा, न ऐसे बड़ा और न ऐसे छोटा, कि जब तलक है लोग तो खुशहाली से रहो और जाने के बाद तुम्हें ले जा करके कहीं दाह संस्कार कर देगा या दफन, उसके बाद तुम्हारा नाम गलती से ही तुम्हारा नाम कभी कोई नहीं लेगा। अपने अगल बगल में देखिए, अपने आसपास में देखिए, फलाने के नाम कोई लेबर है? कोई नहीं। जब तक हो तब तक है और जब ना हो तब ना है। यह छछन यह पखंड हमें न कोई सिखाई, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, हम आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे।